हेलो दोस्तों, मैं रतनदीप, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टीम रतन में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप अपने फ़ोटो के बैकग्राउंड को बहुत ही सिंपल तरीके से कैसे चेंज कर सकते हैं, और साथ ही ये भी बताऊंगा कि आप अपने फ़ोटो को PNG फ़ोटो के रूप में कैसे चेंज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आपको सबसे पहले अपने मोबाइल के प्ले स्टोर पे चले जाना है और वहां पर सर्च करना है रिमूव वीजी। दोस्तों, ये वाले ऐप्स को आपको डाउनलोड कर लेना है। दोस्तों, मैं इस ऐप्स का किसी भी तरह का कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मुझे ये ऐप्स पर्सनली बहुत ही अच्छे लगते हैं, क्योंकि इसमें आप फ़ोटो को PNG में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और साथ ही अपने फ़ोटो के बैकग्राउंड को भी बहुत आसानी से चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसे डाउनलोड करने के बाद आपको इसे ओपन कर लेना है। दोस्तों, इसे ओपन करने के बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस देखने को मिलेगा। दोस्तों, आप जिस भी फ़ोटो को PNG के रूप में कन्वर्ट करना चाहते हैं या जिस भी फ़ोटो का आप बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हैं, उसके लिए आप यहां पर देख सकते हैं कि अपलोड इमेज का एक ऑप्शन मिल जाता है, जिस पर क्लिक करके आप अपने मोबाइल की गैलरी से जिस भी फ़ोटो का आपको बैकग्राउंड चेंज करना है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम यहाँ पर अपलोड इमेज पर क्लिक करके मोबाइल की गैलरी से एक फ़ोटो सेलेक्ट कर लेते हैं। फ़ोटो सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों, आपको कुछ भी नहीं करना है, ये ऑटोमेटिक फ़ोटो के बैकग्राउंड को इरेज कर देगा। देख सकते हैं दोस्तों आप यहां पास कि हमारे फ़ोटो के बैकग्राउंड पूरी तरह से इरेज हो गया है। दोस्तों, अगर आप अपने फ़ोटो को PNG के रूप में रखना चाहते हैं तो उसके लिए आप यहां पास देख सकते हैं डाउनलोड का ऑप्शन हमें मिल जाता है, जिस पर क्लिक करके आप अपने फ़ोटो को PNG के रूप में डाउनलोड कर सकते हैं। अब दोस्तों, अगर आपको अपने फ़ोटो के बैकग्राउंड में जो भी चेंज करना है, जो भी दूसरा फ़ोटो लगाना है बैकग्राउंड में, तो उसके लिए आप यहां पर देख सकते हैं कि एक एडिट का ऑप्शन हमें मिल जाता है, जिस पर हमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों, यहां पर आप देख सकते हैं अपलोड बैकग्राउंड का इमेज हमें मिल जाता है। दोस्तों, आप अगर चाहते हैं कि आप अपने मोबाइल की गैलरी से कोई दूसरा फ़ोटो आप इसमें बैकग्राउंड में लगाएं, तो आप यहां पर अपलोड बैकग्राउंड पे क्लिक करके आप अपने मोबाइल की गैलरी से भी कोई बैकग्राउंड फ़ोटो सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों, आपको इस ऐप्स में बहुत सारे बैकग्राउंड फ़ोटो ऑटोमेटिक से यहाँ पास मिल जाते हैं, ये आप देख सकते हैं बहुत सारे हमें ऑप्शन मिल जाते हैं। उसके अलावा दोस्तों, यहाँ पास आपको बैकग्राउंड इमेज के लिए सिंपल कलर वाले भी ऑप्शन बहुत सारे मिल जाते हैं। तो चलिए, हम अभी एक फ़ोटो वाले बैकग्राउंड पे क्लिक कर लेते हैं। दोस्तों, हमने एक इमेज को सेलेक्ट कर लिया है यहाँ पास। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि हमने जिस भी इमेज को यहाँ पास फ़ोटो वाले बैकग्राउंड को सेलेक्ट किया, वो हमारे फ़ोटो को पूरी तरह से चेंज कर दिया है। दोस्तों, ये देख सकते हैं आप कि ये पूरी तरह से चेंज हो गया है। उसके अलावा दोस्तों, यहाँ पास आपको एक ऑप्शन और मिल जाता है, ब्लर का ऑप्शन, जिस पर क्लिक करने से आपके फ़ोटो का जो बैकग्राउंड है वो ऑटोमेटिक ब्लर हो जाएंगे। आप यहाँ पास चाहें तो अपने हिसाब से बैकग्राउंड को ब्लर और ज़्यादा या कम कर सकते हैं। तो अभी हम इसे सिंपल ही रहने देते हैं। अब दोस्तों, इस फ़ोटो को आपको अपने मोबाइल की गैलरी में डाउनलोड करने के लिए आपको यहाँ पर सबसे ऊपर में देख सकते हैं कि एक एरो का निशान मिल जाता है, जिस पर क्लिक करके आप अपने फ़ोटो को आप अपने मोबाइल की गैलरी में सीधे डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए, हम यहाँ पास डाउनलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेते हैं। डाउनलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद दोस्तों, आपको यहाँ पास डाउनलोड इमेज का ऑप्शन मिल जाता है, जिस पर हमें क्लिक करके अपने फ़ोटो को डाउनलोड कर लेना है। फ़ोटो डाउनलोड करने के बाद दोस्तों, देख सकते हैं कि हमारे फ़ोटो का बैकग्राउंड पूरी तरह से चेंज हो गया है और फ़ोटो भी बहुत अच्छा और अट्रैक्टिव लग रहा है। दोस्तों, इस तरह से आप बहुत सिंपल तरीके से आप अपने फ़ोटो का बैकग्राउंड जैसा चाहें वैसा चेंज कर सकते हैं, साथ ही अपने फ़ोटो को PNG के रूप में भी बहुत आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। आई होप दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने फ्रेंड एंड फैमिली में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।